सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट पॉइंट में और ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड यानी BECIL जिसको बेसिल भी कहते हैं, उसमें वैकेंसी आई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। तो आज हम इसी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि ये जो कंपनी है बेसिल, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में है, यानी एक सरकारी कंपनी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत में आती है और मिनी रत्न कंपनी है। उसी ने वैकेंसी निकाली है दिल्ली NCR के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की, कम क्लर्क्स की। आज हम उसी के बारे में बात करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। तो कंपनी का नाम हम आपको पहले बता चुके हैं, ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड है और इसमें वैकेंसी आई है डाटा एंट्री ऑपरेटर की। ये वैकेंसी दिल्ली NCR में है। साथ ही कंपनी की वेबसाइट है वो है www.bcil.com। अब नए डाल लेते हैं क्वालिफिकेशन पर। क्वालिफिकेशन आप 12वीं पास हो या फिर आप ग्रेजुएट हो। जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनको सैलरी थोड़ी ज्यादा मिलेगी। तो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स के पास 35 वर्ड पर मिनट की टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, स्किल होनी चाहिए टाइपिंग की कंप्यूटर पर। साथ ही नॉन ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनको भी 35 वर्ड पर मिनट की कंप्यूटर टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश में। वैकेंसी टोटल 50 हैं। जो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं उनको मिलेंगे 18,332 रुपये महीने फिक्स पे, वहीं 12th पास कैंडिडेट्स को मिलेगी 17,498 रुपये। ये सैलरी आपको फिक्स मिलेगी और ये कॉन्ट्रेक्चुअल पर है एक साल के लिए, बाद में इनको आगे भी एक एक साल करके बढ़ाया जा सकता है। तो ये थी आपकी पे और आपकी पोस्टिंग रहेगी दिल्ली NCR में। तो अगर आप दिल्ली NCR में जॉब करना चाहते हैं तो ये वैकेंसी आपके लिए है। साथ ही अगर आप जॉब के साथ साथ तैयारी करना चाहते हैं तब भी ये वैकेंसी आपके लिए है। एप्लीकेशन फॉर्म आप या तो BECIL के कॉर्पोरेट ऑफिस C56A17 Sector 62 नोएडा से प्राप्त कर सकते हैं या फिर वेबसाइट पर दिया हुआ है और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड करके फॉर्म भर सकते हैं। जो फॉर्म आप भरेंगे वो ऑफलाइन होगा और आप उस फॉर्म के साथ अपनी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं वो सब, दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आधार कार्ड, पैन कार्ड और नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फीस जो कि होगी 500 रुपये जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए और 250 रुपये होगी SC ST PH कैंडिडेट्स के लिए। तो या तो आप कैश जमा करा सकते हैं वहाँ या फिर कार्ड के द्वारा या फिर डिमांड ड्राफ्ट आप बनवा सकते हैं इन फेवर ऑफ ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड और ये पेबल होगा नई दिल्ली में। तो ये आप बनवा सकते हैं और जब आप अपना फॉर्म भर लें तो आप उसे भेजेंगे टू द असिस्टेंट जनरल मैनेजर HR यानी AGM HR BECIL कॉर्पोरेट ऑफिस एट BECIL भवन C56Y A17 Sector 62 नोएडा 20-13-07 UP। ये आप यहाँ भेजेंगे फॉर्म भरने के बाद। पता हम आपको एक बार फिर बता देते हैं, BECIL कॉर्पोरेट ऑफिस BECIL भवन C56Y A17 Sector 62 नोएडा 20-13-07 UP और फॉर्म सबमिशन की लास्ट डेट है 13 September 2018। फॉर्म आप रजिस्टर्ड पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, साथ ही अगर आप चाहें तो बाई हैंड भी जमा करा सकते हैं। फीस आप चाहें तो वहां कैश जमा करा सकते हैं ऑफिस में या फिर DD बनवा सकते हैं और DD हमने बता दिया है ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड पेबल एट नई दिल्ली। और अब हम इसके फॉर्म को देखेंगे एक बार। तो दोस्तों ये है इसका फॉर्म का जो ऊपर का हिस्सा है वो ऑफिस के काम के लिए है, उससे आपका कोई मतलब नहीं है, आपको फॉर्म यहाँ से शुरू करना है। तो सबसे पहले यहाँ अपने पदनाम लिखेंगे, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, तो यहाँ लिखेंगे आप डाटा एंट्री ऑपरेटर। उसके बाद सेकंड में आएगा आपका नाम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। उसके बाद थर्ड में आएगा फादर्स नेम। चौथे में आएगी आपकी डेट ऑफ बर्थ। पांचवें में आएगा अगर आपने कहीं पहले काम किया हुआ है, PF आपका कटता हो तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आप यहाँ लिखेंगे, PF ID वगैरह आप यहाँ लिखेंगे। अगर पहले नौकरी की है तो, नहीं की है तो आप इसको खाली छोड़ेंगे। उसके बाद अगर आपने पहले कहीं नौकरी की है, आपका ESI कटता है तो आप वो यहाँ मेंशन करेंगे, नहीं की है तो कोई बात नहीं। पैन नंबर अगर आपके पास है पैन कार्ड नंबर तो आप यहाँ लिखेंगे या अपनी कैटेगरी लिखेंगे। और कैटेगरी जो है वो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की लिखी जाएगी, राज्य में आप किसी भी कैटेगरी के हो, सेंट्रल में आप जिस कैटेगरी में आते हैं आप वो यहाँ लिखेंगे। यहाँ आप अपना एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन लिखेंगे यानी पत्रवार का पता, सिटी, स्टेट, पिन कोड सहित। यहाँ अपना ईमेल एड्रेस लिखेंगे, यहाँ अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद यहाँ अगले पेज पर आपका आएगा एजुकेशन क्वालिफिकेशन का ऑप्शन, तो वहाँ आप 10th का लिखेंगे, 12th का और ग्रेजुएशन का। ये नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए क्रम में है, इसमें स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी लिखेंगे आप, ईयर ऑफ पासिंग और आपकी कौन सी डिवीजन आई है, कौन सी ग्रेड है। पॉइंट नंबर 12 वर्क एक्सपीरियंस के लिए है। पॉइंट नंबर 13 है टोटल ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, यहाँ तो आप टुकड़ों में लिखेंगे आपने कहाँ कहाँ कितना कितना काम किया, यहाँ आप ओवरऑल एक्सपीरियंस अपना लिखेंगे। चौथा लिखेंगे रेफरेंस। रेफरेंस में आपको उन दो व्यक्तियों के नाम लिखेंगे जो आपको जानते हों और जिससे आप वेरीफाई हो सके कि आप कहीं फर्जी तो नहीं है। तो यहाँ सीरियल नंबर 1 और 2 में आप अपने आस पड़ोस के व्यक्ति या जो संभ्रांत व्यक्ति हैं उनको लिखेंगे।
और अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप कहाँ कहाँ काम करना चाहते हैं, यहाँ आप अपनी लोकेशन लिखेंगे, आप कौन कौन सी भाषा जानते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे। 17वां पॉइंट है कि आपको इसकी जानकारी कहाँ से मिली, तो आप वहाँ वेबसाइट लिख सकते हैं, एडवर्टाइजमेंट लिख सकते हैं, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट लिख सकते हैं या फिर अदर्स लिख सकते हैं। अदर्स लिख देंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ ये सूचना दी गई है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, तो एजुकेशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ईपीएफ ईएसआई कार्ड, ये सब आपको लगाने हैं। अगर ईपीएफ ईएसआई कार्ड नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आप सिग्नेचर करेंगे, यहाँ आप डेट लिखेंगे और इस फॉर्म को 500 रुपये का डीटी लगा के, अगर जनरल ओबीसी के हैं तो, और अगर एसएससीपीएस हैं तो 250 रुपये का लगा के आप इसको भेज देंगे जो पता हमने बताया है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वैकेंसी अपडेट्स लाते रहते हैं। धन्यवाद।